हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग SGAB। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ शिमला स्टेशन के बाहर। सामने आपको नज़र आ रहा होगा शिमला रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस गेट। और आज मैं आपको ले जाऊँगा टनल नंबर 103 पर। जी हाँ, टनल नंबर 103, जिसे लोग कहते हैं कि भूतिया टनल है। तो चलिए हम चलते हैं टनल नंबर 103 की तरफ। और अभी मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ, मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से फिर मैं पहुँचूँगा टनल नंबर 103 के पास। वैसे तो पटरियों से होते हुए भी हम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से हम वापस आएंगे। फिलहाल अभी हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से पैदल टनल नंबर 103 तक जाएंगे। ये जो हाईवे है थोड़ी नैरो है, यहाँ पर पैदल चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो सावधानी से चलना पड़ता है। और पार्किंग की भी समस्या काफ़ी है यहाँ पर। तो देखिए किस प्रकार लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सड़क के किनारे लगा रखी हैं। ये देखिए जस्ट मेरे पीछे से ये टेम्पो ट्रैवलर गया और मुझे पता भी नहीं चला कब आई मेरे पास। तो आप शिमला जब भी आएँ और बिजी सड़क पर चल रहे हों तो थोड़ा सावधानी सा चलें। तो लीजिए मैं पहुंच गया हूं टनल नंबर 103 के बाहर। ये देखिए टनल नंबर 103 इनवेरम टनल। और इस टनल की लंबाई है लगभग 345 मीटर्स। बोलते हैं कि टनल हॉन्टेड है, भूतिया है। रात में यहाँ पर औरत दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में, कैंडल पकड़े हुए, लेकिन आज तक किसी ने इसे देखा नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ टनल के अंदर। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से एक ट्रेन आने वाली है, जिसका व्यू मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर में जैसे वो ट्रेन आती है। तो आपको टनल का नेक्स्ट एंड दिखाई दे रहा होगा। और टनल के साथ ये अब ट्रेन आ रही है, देखा होगा आप। ये देखिए ट्रेन आ रही है सामने से, देखिए ट्रेन आ रही है सामने से, आपको लाइट नज़र आ रही होगी ट्रेन की। और ये ट्रेन हमारे पास पहुँचते जा रही है और इसी तरह मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ते जा रही है। ये नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ और आप भी देखिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो टनल है इसके साइड में, आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे से खाने बने हुए हैं कुछ डिस्टेंस पर। ये इसलिए बनाए गए हैं कि यदि कोई ट्रेन आती है और कोई रेलवे का एम्प्लॉय काम कर रहा हो तो इन छोटे बने हुए खानों के अंदर वो अपना सेफ्टी के लिए जा सकता है। ये देखिए, और टनल के अंदर इतनी ठंडक है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि इसके सामने AC भी फेल है। मैं टनल को उस पार नहीं जाऊंगा क्योंकि टनल काफ़ी लंबा है मेरे लिए। और बोलते हैं ना कि ये हॉन्टेड है, भूतिया टनल है, पता नहीं कोई चुड़ैल मिल जाए मुझे। तो मैं यहीं से वापस जाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जर्नी इस टनल की पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे मैं कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस चैनल के अंदर से मेरा बाय।